কিছু করতে তোমার কাছে একা কালো পিস কো बादशाहिन हूँ, कॉर्पोरेटर राजबाग से हूँ मैं, और ये सारे सरपंच है, पंच है, यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन है। बेसिकली बात ये है कि जो एक हफ्ते से लगातार किलिंग बैक टू बैक हो रही है और गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। हमने कितनी बार रिकमेंड की एलजी से, आईजी से, एडीजी से, एसएसपी सिक्योरिटी से, लेकिन वो अभी शायद नींद से नहीं जागे हैं। आप देखिए बैक टू बैक किलिंग, परसों राजौरी में जो अटैक हुआ उस सरदार के घर पे, तो वहाँ भी उसके 2 साल का बच्चा मर गया। उसके पहले जो 2 मियाँ बीबी अनंतनाग में रेंट पे रह रहे थे, उसको ना तो सिक्योरिटी दी गई, ना तो एकोमोडेशन दी गई। हम चाहते हैं कि अगर कल भी एक क्लिंक हुई है उधर कुलगाम में ही हुई है, वो भी बेचारा फैमिली में बैठा था, उसको भी मारा गया है। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है? हम यही कहते हैं गवर्नमेंट चाहती क्या, अगर उन्होंने हमें इलेक्शन पे उठाया है, हमें जितवाया है यहाँ पे, उस टाइम जो मेन स्ट्रीम थी वो शायद वो गीदड़ की तरह भाग गए थे उस टाइम। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ये लोग उठे हैं तो हमारी प्रोटेक्शन भी नहीं है, ना हमारी सिक्योरिटी है, ना वेल एकोमोडेशन है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर हम एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक हमारी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हुई है, जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड करें, वरना हम सड़कों पर आएंगे या फिर हमें खुद ही भेजो मारने के लिए, हम घरों में बैठेंगे, हम क्यों होटलों में बैठेंगे। अभी आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है? नहीं, अभी तक कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हुई है, हमारे घरों पर भी गारत नहीं हुई है। ऐसा क्या, कल देखिए वो घर पे बैठा था, अगर उसके घर में गारत होती, प्रोटेक्शन होती, उसके साथ 2 पीएसओ होते तो शायद वो भी बच जाता। रियल स्टोरी दैट आर देयर, स्टोरी वेयर वी बिकम योर वाइफ, स्टोरी व्हिच मैटर्स टू यू, सेंस नॉट सेंसेशनलिज्म। News that truly impacts you. We are looking for facts, not opinion. No agenda, but a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.